Hello, student. Welcome to student success classes. तो आज दोस्त हम पढ़ेंगे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिगर स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार, यानी पोएटिक लैंग्वेज को एक लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाने का काम इसी डिवाइस का होता है, राइट? फिगर स्पीच का दूसरा भी नाम है, हम कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस या फिर लिटरेरी डिवाइस. क्या बोलते हैं? लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस भी इसे कहा जाता है. ठीक है, याद रखना. फिगर स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार. हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं. अलंकार, अलंकार का मतलब होता है जब ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो क्या करे, ब्यूटी ऑफ द पोएटिक लैंग्वेज, जो पोएटिक लैंग्वेज है उसकी ब्यूटी ब्यूटी को बढ़ा दे, यानी जो पोएटिक वर्ड्स है, ब्यूटी है, उसको और निखार दे, यानी बहुत बेहतरीन बना दे पोएटिक लाइंस को, है ना, पढ़ने में रीडर्स को मजा आए. ठीक है, तो अ फिगर स्पीच इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है फिगर स्पीच या अलंकार या फिर ऐसा फ्रेज होता है जो क्या करता है, पोएटिक लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कर देता है, यानी और खूबसूरत बना देता है और उसको लो लेवल से, मोनोटोनस लेवल से ऊपर उठा देता है. राइजेस द पोएम अबव द मोनोटोनस लेवल. मोनोटोनस लेवल मतलब कि एक डल लेवल होता है. डल मतलब कि पोएम पढ़ना इट मीन्स एक डल काम है, लेकिन जब उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल सही हो, मतलब कि ब्यूटीफाई कर दिया जाए, एड अप कर दिया जाए, जिससे कि पढ़ने में मजा हो, राइट, मजा आए रीडिंग करने में, एक तरीके से इट मीन्स इंटरेस्ट जाग जाए. तो फिगर स्पीच का फ्रेंड्स यूज ओनली एंड ओनली पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि हम किसे कैसे उस चीज को और ब्यूटीफाई करके उसे हम बोल सके, है ना. चलो, तो ये फिगर स्पीच हम कम से कम 18 पढ़ेंगे जो कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होते हैं. सीबीएसई हुआ, स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये कॉमनली यूज में आते हैं, राइट, चाहे वो एसएससी हो या फिर एचएससी या फिर हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट हो, राइट. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम चालू करते हैं पहला फिगर स्पीच, पहला अलंकार क्या है, पहला लिटरेरी डिवाइस क्या है. सिमिली. सिमिली यानी कि ऐसा फिगर स्पीच जिसमें दो हो, दो के बीच में कंपैरिजन हो, लेकिन दोनों के बीच कोई एक पॉइंट कॉमन हो, दोनों के बीच एक पॉइंट कॉमन हो. जैसे कि एग्जांपल दिया है, ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज. याद भी रखना, जब भी सिमिली की बात आती है तो लाइक सो एज ये वर्ड्स बार बार दिखेंगे तुम्हें. अगर लाइक सो एज वर्ड दिखेंगे तभी नॉर्मली तुम्हें कॉमनली मान लेना है कि ये सिमिली है, दूसरा कोई फिगर स्पीच नहीं है. इसको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, है ना. फिर उसके बाद एग्जांपल में, ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज. हालांकि ये तो टाइगर नहीं है, इसको कंपेयर किया गया टाइगर से, ये टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर और इसके बीच एक क्वालिटी कॉमन है, वो क्या है, निडर होना, यानी फियरलेस होना. दोनों के बीच एक क्वालिटी क्या कॉमन है कि टाइगर की तरह वो क्या है, निडर है, यानी फियरलेस है, ठीक है. जब वो गुस्सा में रहता है तो एक टाइगर की तरह फियरलेस दिखता है. तो एज आ गया है, एज, सो, लाइक, ये तीनों में से कोई भी इस्तेमाल होगा तो फिगर स्पीच सिमिली माना जाएगा. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, मेटाफर. मेटाफर क्या होता है, ये भी ठीक कंपेरिजन ही होता है, दोनों कंपेरिजन होता है, ठीक है. इसमें भी वही चीज है, दो के बीच कंपैरिजन होगा लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन क्वालिटी होगी, कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमनली यूज होगा या फिर कॉमनली एग्जिस्ट करेगा. लेकिन सो एज लाइक, ये ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें कंपैरिजन होगा लेकिन बिना यूज किए, इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन. इसमें लाइक सो एज मिर्च मसाला नहीं लगाना है, इसमें डायरेक्टली हमें बोल देना है. कभी कभी हम बोलने में यूज करते हैं, गधा है क्या, राइट, यू आर अ डंकी. हालांकि इंसान कैसे डंकी हो सकता है, है ना, इंसान तो डंकी नहीं हो सकता ना. हाँ, लेकिन दोनों में क्वालिटी कॉमन होगी, एक कॉमन पॉइंट होगा कि इसको भी कुछ नहीं आता है और डंकी को भी कुछ नहीं आता है. कहने का मतलब कि हम ऐसे डेली यूज में हम लाते हैं कितने सारे मेटाफर यूज करते हैं हम. जैसे कि एग्जांपल दिया है, चिमनी फॉर अ नोज,
नोज को किससे कंपेयर किया है? चिमनी से। यानी नोज चिमनी नहीं हो सकता है लेकिन चिमनी जैसा दिख सकता है। दोनों में एक चीज क्या कॉमन होगी कि दोनों चिमनी की तरह है। ठीक है, गॉट इट। चिमनी फॉर अ नोज, नोज इज कंपेयर्ड विद चिमनी। चलो आगे, अब पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। व्हाट वी विल सी? पर्सोनिफिकेशन। तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हम तीसरा देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सोनिफाई कर देना। पर्सोनिफाई कर देना मतलब कि नॉन लिविंग को लिविंग, जान डाल देना उसमें, मतलब लिविंग बना देना, है ना। नॉन लिविंग चीज को भी क्या कर देते हैं? लिविंग बना देते हैं, या फिर इनएनिमेट चीजों को एनिमेट कर देते हैं। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग चीजों को क्या कर देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, उसे एनिमेट कर देते हैं, यानी लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक हम उसको दे देते हैं। उसके अंदर एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक जान आ गई रही, मतलब कि नॉन लिविंग लिविंग जैसा अब बिहेव करता दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि देर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड मतलब कि मूव, वॉक। एमराल्ड सी मतलब ब्लू सी, यानी ऐसा लग रहा है कि जो ब्लू सी है वो इट मींस लैंग्विड कर रहा है, यानी धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे देर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी, इसका मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है नॉन लिविंग है ना, उसको कंपेयर किया गया है कि वॉकिंग स्लोली, टेकिंग लैकिंग वाइगर, वॉकिंग स्लोली या फिर लैकिंग वाइगर, मतलब धीरे धीरे चलना को बोल सकते हैं, उसके अंदर ताकत अब नहीं बची है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लाइक अ लिविंग, ताकत भाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में थोड़ी नहीं होता है, ताकत तो लिविंग ऑब्जेक्ट में होता है ना। तो यहाँ पे सी को किससे कंपेयर किया है? लिविंग एक्शन से कंपेयर किया है, लिविंग एक्शन से कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? लिविंग एक्शन से कंपेयर किया है। ठीक है, फिर एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है एग्जैक्टली अपोजिट, या तो अपोजिट वर्ड होगा है ना, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होंगे। याद रखना, वर्ड हो सकते हैं है ना अपोजिट हो, लेकिन या फिर कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, या फिर दो स्टेटमेंट अपोजिट होंगे, एक फॉर एक अगेंस्ट है ना, एक विद नॉट दूसरा विदाउट नॉट, तो हो गया ना दो अपोजिट स्टेटमेंट, या फिर दो अपोजिट वर्ड ही यूज किए हो, राइट। अपोजिट वर्ड या फिर कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट हो, तो जब भी ऐसे फिगर स्पीच आपको मिले, मीन्स जब भी ऐसे वर्ड्स मिले आपको जो ठीक अपोजिट हो एक दूसरे के, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वहां पे अपोजिट के लिए कौन सा फिगर स्पीच बनेगा? एंटीथेसिस। जैसे एग्जांपल है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फायर जलाने का काम करता है, आइस बुझाने का काम कर रहा है। फायर हॉट होता है, आइस क्या होता है? कोल्ड होता है। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इसको बोल सकते हैं कि एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। चलो, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन पे हम मूव करते हैं। फिफ्थ, व्हाट इज द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन इज नथिंग बट इंटरनल राइम। इंटरनल राइम क्या होता है? राइम हमने पढ़ा है बचपन में कि जब एक दूसरे, एक वर्ड दूसरे वर्ड से तुक मिलता है। तुक यानी जैसे कि हिट और फिट, तो ये पहले वर्ड का लास्ट जो तुक है दूसरे वर्ड के लास्ट तुक से मिल रहा है। तुक का मतलब कि राइम बना रहा है, यानी एक पैटर्न बना रहा है, एक जैसे सिमिलर प्रोनंसिएशन एंडिंग में मिलेंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे राइमिंग, है ना, इंटरनल राइम। चलो देखते हैं, जब पोएटिक, एक पोएटिक लाइन में जब भी ऐसे वर्ड्स दिखे जो राइम बना रहे हैं तो उसे हम इंटरनल राइम बोलते हैं। जैसे कि एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, तो ट्रेम्बलिंग में आईएनजी और स्टेयरिंग में आईएनजी, दोनों एक जैसे प्रोनाउंस हो रहा है लास्ट में, है ना, तो दोनों एक तुक बन रहा है, यानी दोनों के दोनों एक राइम बन रहे हैं, दोनों एक पैटर्न बना रहे हैं, है ना, राइमिंग पैटर्न, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल राइम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हो कि कहां पे आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, वी विल मूव ऑन टू ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन वो फिगर स्पीच होता है, ये भी अपोजिट होता है, लेकिन एंटीथेसिस से अलग कैसे होता है?
एंटीथेसिस में हमने क्या देखा था, वर्ड या फिर एंटीथेसिस में एक बार फिर से दिखा देता हूं, एंटीथेसिस में हम क्या देखा था, अपोजिट वर्ड या फिर कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट अपोजिट होगा या फिर वर्ड अपोजिट होगा। और इसमें क्या है ऑक्सीमोरन में वर्ड और स्टेटमेंट अपोजिट नहीं होगा, क्या अपोजिट होगा इसमें, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स होगा, राइट, जो साइड बाय साइड होगा, राइट, अपोजिट वर्ड नहीं, क्वालिटी बताने वाले वर्ड होंगे, जिसे हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, जो एडजेक्टिव स्पेशली यहां पे क्या देखा जाता है, अपोजिट क्वालिटीज या फिर अपोजिट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल साइड बाय साइड किया जाता है, ठीक है। वर्ड्स का इस्तेमाल तो एंटीथेसिस, एडजेक्टिव का इस्तेमाल तो डिस्क्राइबिंग वर्ड का इस्तेमाल तो वो हो जाएगा ऑक्सीमोरन, यानी एडजेक्टिव्स जब साइड बाय साइड यूज हो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स भी बोलते हैं, जो साइड बाय साइड रखा जाता है। जैसे कि द न्यू किटन्स, जो नए किटन्स है, एंजॉयड बीइंग अलोन टुगेदर, अलोन अकेले उसने एंजॉय किया एक साथ रहकर, भाई यहां पे दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, अलोन का मतलब अकेले, टुगेदर मतलब एक साथ, तो दोनों वर्ड अपोजिट दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट वर्ड होने की वजह से, अलोन मतलब अकेले, टुगेदर मतलब एक साथ, तो भाई जो न्यू किटन्स है उसने एंजॉय किया अलोन, अकेले ही साथ रहकर, इसका मतलब कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आ गए, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आ गए, है ना। एक ही चीज के लिए जब दो वर्ड यूज किया जाए जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, या फिर इसके जगह एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव साइड बाय साइड हो तभी भी ऑक्सीमोरन होगा, ठीक है। चलो आयरनी क्या होता है, इसको बोलते हैं कि आयरनी का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, जब कोई चीज हम कहते हैं एग्जैक्टली उसका अपोजिट, तो उसको हम आयरनी बोलते हैं, ठीक है, जो एक व्यंग कहा जा सकता है, व्यंग, जब हम अपने दोस्त होते हैं कभी कभी ऐसे बोलते हैं, तू बहुत अच्छा दोस्त था ना, मेरा साथ छोड़ दिया, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि तू बहुत बेकार दोस्त था, मेरा साथ छोड़ दिया, मतलब जो कहा ठीक उसका अपोजिट, यानी एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट इज सेड और स्पोकन। जैसे कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी ताकत है लेकिन किसके पीछे है, बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे, यानी कि लोहे या फिर जेल में, या फिर हो सकता है केज के पीछे, केज के अंदर है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरी ताकत कहां पे होगी, बार्स यानी कैद में होगी, केज में होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ताकत वो भी किसके पीछे, बिहाइंड बार्स, जो कहा है ठीक उसके उलट है, यानी उसकी पूरी ताकत है बिहाइंड बार्स, यानी इट मीन्स जो कैद खाना या फिर केज है, ये जो पिंजरा है या फिर जो जो एनिमल्स के लिए बनाया हुआ जो कैद खाना है उसके पीछे, तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कि पूरी ताकत उसका, पूरी तरह से उसकी ताकत खत्म हो गई है, भाई कैद है तो खत्म ही हो गई ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ठीक अपोजिट है। यहाँ पे पोएट कह रहा है पूरी ताकत जो है टाइगर की वो इन द केज है, लेकिन सच में देखा जाए तो केज में कोई ताकत रह जाती है क्या, नहीं, वो मजबूर हो जाता है एनिमल, है ना, कैद खाने में। चलो आगे, मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन इज दैट द टाइगर इज विदाउट स्ट्रेंथ इन द केज विच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। जो मीनिंग निकला है कि बिहाइंड बार्स मतलब केज के अंदर जो ताकत है वो तो होगी नहीं, मतलब जो यहां पे कहा गया ठीक उसका अपोजिट निकला ना, तो यहां पे आयरनी मतलब कि जब कोई चीज एग्जैक्टली जो कहा गया उसका अपोजिट हो तो उसे आयरनी कहा जाता है, ठीक है। हाइपरबोल, लेट अस सी द हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसको हम ओवर स्टेटमेंट कह सकते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना, राइट, फेंकना भी बोल सकते हैं, एग्जाजरेशन, हमारे पब्लिक लाइफ या फिर प्राइवेट लाइफ में, या फिर जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे हमारे लाइफ में होते हैं जो डेली हमारा सामना फेकू लोग से होता है, तो ऐसे जो वर्ड्स स्टेटमेंट जो फेंके हैं उसे हम हाइपरबोल ही बोलेंगे। लेट अस सी, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, भाई यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अगर दुनिया को तबाह होना है तो ये दो बार तबाह होगी, तो हो ही नहीं सकता, दुनिया दो बार क्यों तबाह होगी, है ना, एक बार
ये एक बार होगी कि दो बार शामत आई है उसकी, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि हाइपरबोल ये बढ़ा चढ़ा के पेरिश ट्वाइस, दुनिया दो बार क्यों तबाह होगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्यों तबाह होगी, मतलब कि ये इतना बढ़ा चढ़ा का है कि ये एक बार तबाह हुई नहीं, दो बार कहां से होगी। फिर आगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल, इट इज एन ओवर स्टेटमेंट। तो दुनिया तबाह होगी ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई देश का पार्ट हिस्सा तबाह हो समझ में आता है, कोई देश तबाह होगा समझ में आता है, पूरी दुनिया कैसे एक साथ तबाह हो जाती है, ये तो खुद ही बढ़ा चढ़ा कहा गया ओवर स्टेटमेंट है। कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि आई सॉ द रिवर ऑफ ब्लड, मैंने खून की नदियां देखी। भाई खून की नदियां कहां देखोगे, खून की नदियां होती नहीं है। तो मतलब कि ये भी क्या हाइपर बोले बढ़ा चढ़ा कहा गया। हाँ, लिटोर्स, लिटोर्स क्या होता है, वेरी गुड फिगर स्पीच, ये बस तुक्का नहीं लगा रहे बल्कि सीधे आंख से दिखते है वो चीज, टिक कर दो कि लिटोर्स है ये। कैसे पता चलेगा लिटोर्स, लिटोर्स हमेशा पॉजिटिव मीनिंग हमेशा नेगेटिव वर्ड से कन्वे किया जाता है। ये पोयम में एक डिवाइस है, यानी एक फिगर स्पीच है कि पोयम में अगर नेगेटिव वर्ड्स दिखेगा तो इसका मतलब कि उस नेगेटिव वर्ड यूज करने का मतलब कि पॉजिटिव कन्वे, पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, या फिर इम्पैक्टफुल बनाना उस पोएट का मकसद है पोयम में, ठीक है, नेगेटिव वर्ड से। एनिमल्स डोंट स्वेट, एनिमल्स कभी स्वेट एंड वाइन मतलब कंप्लेन करना, टू कंप्लेन, टू कंप्लेन मतलब स्वेट एंड वाइन का मतलब कि कंप्लेन करना। एनिमल्स कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपने कंडीशंस पे, अपने दशा पे, अपनी स्थिति पे। तो अ पॉजिटिव मीनिंग और आइडिया इज कन्वेड। अब यहां पर देखना कैसे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है। एनिमल्स डोंट कंप्लेन, डोंट स्वेट एंड वाइन, इसका मतलब कि एनिमल्स कभी कंप्लेन ही नहीं करते हैं, इसका मतलब कि वो हमेशा कंपोज रहते हैं, दे आर ऑलवेज कंपोज, वो शांत रहते हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। तो यहां पे नहीं कंप्लेन करता है उसका मतलब दे आर कंपोज, एनिमल्स आर, दे आर कंपोज। कंपोज का मतलब जो ज्यादा कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोलता है या फिर ज्यादा कंप्लेन करता ही नहीं है, शांत रहता है। समझ में आया। तो एनिमल्स डोंट स्वेट एंड वाइन का मतलब कि एनिमल्स कभी कंप्लेन नहीं करते। अब इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या हुआ कि कभी कंप्लेन नहीं करते, इसका मतलब वो हमेशा मॉडेस्ट और कंपोज्ड रहते हैं, कंपोज्ड का मतलब शांत रहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फिगर स्पीच, टेंथ वन हम लोग वी आर मूविंग टू, टेंथ वन है मेटोनमी। व्हाट इज द टेंथ वन, टेंथ वन इज मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है, वी विल सी नाउ व्हाट इज मेटोनमी, व्हाट इज मेटोनमी। मेटोनमी इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ नेम। एक नाम जब कोई वर्ड का या फिर कोई चीज का हम चेंज करते हैं डायरेक्टली ना कह के किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिसको हम अल्टर्ड नेम भी बोलते हैं, बदला हुआ नाम, है ना। कोई प्रॉपर नेम जो है वन ऑफ इट्स क्वालिटीज और वाइस वर्सा, एक कोई प्रॉपर नेम दे देते हैं लेकिन वो एक्चुअल नेम नहीं होता है, वो नेम हम रखते हैं, यानी किसी चीज का हम नाम हमने नॉमिनेट कर दिया, उस चीज को डायरेक्टली ना कह करके उस अदर नेम से पुकारते हैं, तो उसे हम मेटोनमी बोलते हैं। जैसे कि अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अमांडा एक पोयम है टेंथ में, है ना, उसमें वो अपने आप को मरमेड मानती है। क्या मरमेड का होता है, जलपरी होता है, क्या होता है, जलपरी, जलपरी, है ना। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, भाई अपने आप को मानती है ना, एग्जैक्टली वो तो है नहीं, उसका नाम तो अमांडा है, अमांडा जो ओरिजिनल नेम है, लेकिन उसने अपने आप को क्या मान लिया है, मरमेड, यानी वो खुद को अपने नेम से नहीं पुकार रही है, वो अपना नेम चेंज ऑफ नेम मतलब कि अपना नाम मरमेड कहती है। अल्टर्ड नेम उसका क्या नाम है, मरमेड, यानी जलपरी है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड इज यूज्ड फॉर अमांडा हिज। और नेक्स्ट वन मेटोनमी दूसरा भी है, हिज फेस वॉज टायर्ड, ये दूसरा एग्जाम्पल है, हिज फेस वॉज टायर्ड, इट मीन्स ये पर्सन का नाम डायरेक्ट ना कह के उसको हम वर्ड बोल रहे हैं, हिज फेस, हिज फेस का मतलब एक पर्सन की का बात है, पर्सन के पर्सन यहां पे आएगा, है ना। हिज फेस किसके लिए यूज किया है, किसी पर्सन के नेम के लिए,
किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए यूज किए हैं। इसलिए हिज फेस एक बदला हुआ नाम है। यहाँ पे अगर नाम रखेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन जब मेटोनिमी होता है तो चेंज ऑफ नेम होता है। तो हमने पर्सन का नाम ना बोल के उसे हमने क्या कहा, हिज फेस। चलो आगे, ये टेंथ हो गया मेटोनिमी। अब हम सिनेकडोच देखेंगे। सिनेकडोच क्या होता है? सिनेकडोच एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें पार्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ होल, द होल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पार्ट। यानी कोई मीनिंग पार्ट का फुल, फुल का पार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कि कोई एक छोटा सा हिस्सा है तो उसको हम पूरा मान लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, हिज फेस वॉज टायर्ड। ओनली हम फेस, हिज फेस मतलब उसके चेहरे को नहीं मानेंगे, उसको हम पूरा एक ह्यूमन बीइंग मानेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये पार्ट है उसका फेस, लेकिन हम इसको फेस को क्या मान रहे हैं कि एक पर्सन मान रहे हैं, एक जीता जाता पर्सन है, ये एक एक व्यक्ति मान रहे हैं, एक पूरा शरीर वाला पर्सन मान रहे हैं। यानी हो गया ना, एक पार्ट है तो इसका मीनिंग फुल में निकल रहा है। अ पार्ट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द होल, पार्ट यूज किया गया है होल के बदले में। चलो आगे, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। टेंथ में एक पोयम है, द टाइगर इन द जू, है ना। तो उसमें दिया गया है फैंग्स। फैंग्स का मतलब कि जो आगे का उनका दांत होता है टाइगर का, है ना। फिर उसके बाद क्लॉज मतलब पंजे, है ना। टेरराइजिंग द विलेज, अपने किससे टेरराइज कर रहा है, डरा रहा है सबको, फैंग्स एंड क्लॉज से। फैंग्स मतलब कि जो आगे के दांत होते हैं बड़े बड़े टाइगर के, है ना, चार ऊपर नीचे होते, दो आगे, दो दो सामने और दो नीचे की तरफ होते हैं। तो क्लॉज मतलब जब पंजों से। तो फैंग्स किसका है, किसका हिस्सा है, टाइगर का। तो इसे हम फैंग्स मतलब फैंग्स ही नहीं, इसे पूरा टाइगर मानेंगे, ठीक है। क्लॉज मतलब कि एक हिस्सा है शरीर का, लेकिन क्लॉज मतलब क्लॉज नहीं, इसको हम क्या मानेंगे, टाइगर मानेंगे। यानी यहाँ पे पार्ट दिया है लेकिन इसको हम फुल मानेंगे, इसी को हम बोलते हैं सिनेकडोच। जब पार्ट को फुल मानते हैं तो उसे हम सिनेकडोच बोलते हैं। चलो आगे, रेपिटिशन। रेपिटिशन एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें यू विल सी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वर्ड्स रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे तो उसे हम रेपिटिशन बोलते हैं। वर्ड्स इजिली अपने आप कन्वे कर रहा है कि मैं रिपीट हो रहा हूं, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर वर्ड्स रिपीट होगा एक सिंगल पोएटिक लाइन में, ठीक है, तो उसे हम रेपिटिशन बोलते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट दो बार रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पे रेपिटिशन होगा। दूसरा एग्जांपल है रेन, रेन गो अवे, ऐसा ये शायद पोएम में बचपन में आपने किसी पोएम में पढ़ा होगा, रेन रेन गो अवे कम सम अनदर डे, तो कुछ ऐसे ही है। तो रेन रेन दो बार यूज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी रेपिटेशन फिगर स्पीच यूज किया गया है। ओके, मूविंग टू द 13th नंबर, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या है? अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स जब बेवजह यूज किया जाएगा, बेवजह रिपीट किया जाएगा, है ना, जिसका कोई सेंस नहीं है, है ना, या तो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बार बार रिपीट करेंगे, तो वहां पे टॉटोलॉजी, यानी टॉटोलॉजी का मीनिंग होता है निरस, यानी मजा ना आना, ठीक है। तो टॉटोलॉजी फिगर स्पीच कैसा होता है, जब अननेसेसरी बेवजह किसी वर्ड को, सिमिलर वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो उसे हम टॉटोलॉजी बोलते हैं। जैसे इट वॉज डल एंड ग्लूमी नाइट, रात कैसी है, डल, डल और ग्लूमी। डल, डल का मतलब क्या होता है, नीरस। ग्लूमी का मतलब भी नीरस, मतलब भाई डल का मतलब नीरस है, ग्लूमी का मतलब दोनों का नीरस, क्यों क्यों यूज करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे कुछ नहीं, बल्कि पोएट एक इफेक्ट डालना चाहता है, इम्पैक्टफुल बनाना चाहता है अपने वर्ड्स को कहने के लिए रीडर्स को, इसीलिए उसने दो बार ये वर्ड यूज किया है। हालांकि सिमिलर वर्ड नहीं है तो रेपिटेशन हो जाता, लेकिन ये वर्ड चेंज कर दिया लेकिन दोनों का मीनिंग डिट्टो एग्जैक्ट सेम सेम है, इसीलिए ये डल या फिर नीरस बना दे रहा है। नीरस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी का मतलब अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। रिपीट हो रहा है ना मीनिंग, तो ये एक बार भी यूज करेंगे तो गलत थोड़ी है। तभी भी रात कैसी होगी, ग्लूमी होगी, यानी डल होगी, नीरस होगी, ठीक है। चलो आगे, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें
यू विल सी द रिकरेंस. रिकरेंस मतलब कि बार बार रिपीट होगा, है ना. क्या इनिशियल वाउल्स और कंसोनेंट. कंसोनेंट या वाउल्स पहला लेटर जो है वर्ड्स का वो एक लाइन में कई बार रिपीट होगा. एक दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, चार बार हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल है, पहला लेटर की बात क्या है. पहला लेटर अब इधर देखो, अब यहाँ पे पहला लेटर क्या है. पहला लेटर स्टॉक्स में एस है और इसमें एस है. यहाँ पे देख सकते हो दो दो वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब पहला फ्यू वर्ड्स रिपीट हो रहा है. फ्यू वर्ड्स का मतलब कि दो की बात कर रहा हूं, एक रिपीट हो रहा है तभी भी तुम्हें मान लेना है, ठीक है. एस टी ए एल के एस स्टॉक्स, एस टी आर आई पी एस स्ट्राइप्स. तो दोनों का पहला लेटर रिपीट हो रहा है. इसका मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ड का इनिशियल लेटर रिपीट होता है, रिकर होता है, बार बार आता है ना. भले वर्ड्स अलग हो लेकिन लेटर सेम हो, बिगिनिंग या इनिशियल है पहला लेटर अगर सेम सेम हो तो उसे हम एलिट्रेशन मान लेंगे. तो यहाँ पे एलिट्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि पहला लेटर रिपीट हो रहा है. दूसरे में देख लेते हैं, शेप विदाउट फॉर्म्स, शेड शेड विदाउट कलर्स. शेप का एस एच और ये शेड का एस एच, मतलब कि यहाँ पे भी इनिशियल वर्ड्स और लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. इनिशियल वर्ड नहीं, इनिशियल लेटर रिपीट हो रहा है. वर्ड ये अखा वर्ड हो गया, ये अखा वर्ड हो गया, लेकिन इसमें पहला लेटर को हम इनिशियल लेटर बोल रहे हैं, शुरुआती लेटर, ठीक है. अब ये हो गया 14th. अब हम चलेंगे 15th नंबर की तरफ. वी विल सी 15th नंबर एनास्ट्रोफ. कौन सा फिगर स्पीच है, एनास्ट्रोफ. एनास्ट्रोफ कौन सा फिगर स्पीच है, इट इज अ फिगर स्पीच इन विच, एक ऐसा फिगर स्पीच जिसमें वर्ड ऑर्डर, करेक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज रिवर्स्ड. रिवर्स किया जाता है, जो सेंटेंस ऑर्डर है आई एम सुनील, तो ऐसे रिवर्स कर देंगे, सुनील आई एम, ठीक है, समझ में आ रहा है. तो रिवर्स किया जाएगा, जब भी सेंटेंस के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो उसे हम एनास्ट्रोफ बोल देंगे. क्या बोलेंगे, एनास्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच होगा. लिटरेटिव वाइज क्या होगा, जब वर्ड ऑर्डर इन द सेंटेंस इज चेंज्ड, जब सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर चेंज होगा तो एनास्ट्रोफ होगा, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, वी द बर्ड्स बिट्री, We the birds betray. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the birds betray. लेकिन we use करने की जरूरत क्यों पड़ी, यहां पे word order हमने change कर दिया है, ठीक है. चलो आगे, the greatest teacher, सबसे महान जो शिक्षक होता है वो होता है failure is. अब यहां पे is last में आ गया, तो यहां पे भी word order change हो गया है sentence में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, anastrophe figure of speech. चलो आगे, ओनोमेटोपोइया की तरफ बढ़ते हैं. ओनोमेटोपोइया जब भी फिगर स्पीच आता है तो आपको हंसना नहीं है, आपको एक ही चीज याद रखना है कि साउंड से एसोसिएट करेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल्स, कोई भी इंसान का जो आवाज होता है उसे हम साउंड, जब भी रिलेटेड टू साउंड हो, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन, कोई कैरेक्टर से रिलेटेड साउंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया साउंड, या फिर कोई इको होगा या फिर कोई वॉइस होगा. जब भी आवाज, साउंड, इको, गूंज, अगर जब भी तुम्हें पोएटिक लाइन में वर्ड दिखा, राइट, जैसे बूम है ना, फिर उसके बाद और भी हो सकता है जो भी रिलेटेड, हाँ, एनिमल्स के जो आवाज हो सकते हैं, है ना, बीटिंग हो सकते हैं, है ना, नेइंग हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, ब्लिंक सेड वीक. ब्लिंक एक माउस है, ठीक है. ये माउस वीक, वीक मतलब चिल्लाता है, आवाज निकालता है, ठीक है. ये गिगलिंग साउंड है, ये हंसने की आवाज है, किसकी, माउस की. तो ब्लिंक सेड वीक, वीक एक आवाज है, इसलिए ये यहां पे फिगर स्पीच क्या होगा, ओनोमेटोपोइया. म्याऊ, क्राइड इंक एंड ओक. इंक, इंक एक एनिमल का नाम रखा गया है जो कैट है ना, जो म्याओ करके बोलती है. तो म्याओ वर्ड आते ही समझ जाना ये फिगर स्पीच क्या है, साउंड है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा, ओनोमेटोपोइया. फिर उसके बाद हम 17th देखते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज नथिंग बट द एडजेक्टिव. एपिथेट का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. यहाँ पे ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसफर कर देना, किसको ट्रांसफर कर देना, एडजेक्टिव को, मतलब कि एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट जो जगह होता है, राइट, उसका या तो चेंज कर देना या फिर कोई पर्सन को ना क्वालिफाई करके कोई ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करना, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. जैसे कि
एन एपिथेट ग्रामेटिकली क्वालिटीज, एपिथेट का मतलब क्वालिटीज या एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जो किसको क्वालिफाई करता है। यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट तब होगा जब कोई पर्सन न हो के कोई अदर नाउन हो, अदर देन पर्सन, इसका मतलब कोई थिंग्स हो सकता है। कहने का मतलब कोई, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, गुड बॉय, गुड बॉय। अब यहां पे एपिथेट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे क्वालिफाई किसको, गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को है। नाउन कौन है? एक पर्सन है ना, पर्सन। अब ये पर्सन का नाम न होके यहां पे कोई ऑब्जेक्ट का नाम आ जाए, ऑब्जेक्ट का, है ना, पर्सन का नाम ना होके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अगर नाम आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स का नाम आ जाता है, उसको अगर गुड क्वालिफाई करेगा, उसके अगर ऑब्जेक्ट के पहले गुड लगा है तब वहां पे ट्रांसफर एपिथेट माना जाएगा। लेकिन पर्सन के नाम के पहले है तो हम नहीं मानेंगे, तब वो ट्रांसफर एपिथेट नहीं होगा। यहाँ पे दिया भी है कि किसे कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट, मतलब कि जो एडजेक्टिव है, क्वालिटीज है किसी नाउन की, अदर देन अ पर्सन, पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई थिंग्स होना चाहिए, है ना, जिसको क्वालिफाई करें। पर्सन को तो क्वालिफाई करेंगे तो ट्रांसफर एपिथेट नहीं मानेंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग्स को अगर क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव अगर उस ऑब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, पर्सन के पहले नहीं, ऑब्जेक्ट के पहले लगा हुआ, तब उसे हम ट्रांसफर एपिथेट मानेंगे। द समर क्लाउड्स आर टायर्ड, द समर क्लाउड्स आर टायर्ड। ये टायर्ड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? समर क्लाउड्स, समर क्लाउड्स। तो ये यहां पे पर्सन तो नहीं है ना, पर्सन को के लिए एडजेक्टिव टायर्ड यूज नहीं किया गया, इसलिए यहां पे फिगर स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। द एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जो ग्रीफ है, दुख है, वो कैसा है? एन अल्टीमेट शेकिंग, तो ये पूरा एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, अल्टीमेट शेकिंग। लेकिन ये अल्टीमेट शेकिंग ये किसका एडजेक्टिव है? किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए नहीं यूज किया गया, बल्कि ये ग्रीफ के लिए यूज किया है। तो ग्रीफ क्या पर्सन होता है? नहीं, ये थिंग्स या फिर आइडिया हम मान सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यहां पर्सन का नेम नहीं, तो यहां पे एडजेक्टिव ये जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट बन जाएगा फिगर स्पीच, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, यंग डेज, डेज नाउन है, है ना, और ये यंग क्या है? ये एक्चुअली यंग बॉय की बात कर रहा है। तो यहां पे यंग डेज, तो जो नाउन के पहले वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, मतलब ये जो एडजेक्टिव है वो कोई पर्सन को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पर्सन के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि डेज के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहां पे भी फिगर स्पीच ट्रांसफर एपिथेट होगा। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, आईज तो अगर पर्सन का नाम रहता तो यहां पे फिगर स्पीच ट्रांसफर एपिथेट नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव मतलब कि एपिथेट मतलब एडजेक्टिव होता है, जब हम एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को या फिर कोई चीज को, तो वहां पे फिगर स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा, ठीक है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कहां पे दिक्कत हो रही है। एक्सक्लेमेशन, ये है आखिरी हमारा लास्ट, हम लोग अभी एंड अप करेंगे, रैप अप करेंगे, उसके बाद ये फिगर स्पीच। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन एक ऐसा फिगर स्पीच होता है पोएटिक लाइंस में, जब यूज होता है तो उसकी खासियत होती है क्या कि फिगर स्पीच जो ये एक्सक्लेमेशन है उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आसानी से दिख जाते हैं, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन, पोएट क्या करता है, रीडर्स का ग्रेटर अटेंशन, ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रीडर्स का, वो क्या करता है, एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर वर्ड्स का यूज करता है ना। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कन्वेड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इससे कन्वे किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है रीडर्स को जो रीड कर रहा है विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, वाओ वर्ड ये तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन है, और यहां पे एक्सक्लेम भी कर रहा है, यहां पे बता भी रहा है क्या सुंदरता है, है ना, तो यहां पे एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट का यूज कर रहा है और साथ ही एक्सक्लेमेटरी वर्ड का भी यूज कर रहा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपना नेल्स बाइट मत करो, है ना, तो यहां पे भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है, यहां पे भी किया गया है, यहां पे रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा याद रखो तुम्हारे एक्ने पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, यानी यहां पर भी फिगर स्पीच का है एक्सक्लेमेशन है।
हाँ 19 नंबर का हम देखते हैं फिगर स्पीच एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें हम नॉन लिविंग जो थिंग्स होंगे उसको हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे होंगे, डायरेक्टली जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं, है ना, जो जिंदा नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। जैसे कि ओह डेथ हैव यू नो पिटी, अरे मृत्यु क्या तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदा कोई हो उसको हम कह रहे हैं, है ना। तो ओह डेथ, तो यहां पे नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, या फिर नॉन लिविंग चीज जो चीज है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं जब उसके बारे में हम बोलते हैं, डायरेक्टली कहते हैं, एड्रेस करते हैं, या फिर डायरेक्टली उसको स्पीक किया जाता है यानी बोला जाता है, ऐसा मानो लग रहा हो कि वो जिंदा हो। जब ऐसे हम स्टेटमेंट फिगर से पोएम में हम देखते हैं तो उसे हम अपोस्ट्रोफ फिगर स्पीच को कहते हैं। कौन सा फिगर स्पीच? अपोस्ट्रोफ। और इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन ऐसा फिगर स्पीच है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पोएटिक लाइंस टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, पोएम को एक इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए, एक स्ट्राइकिंग आंसर पाने के लिए ये क्वेश्चन पोएट पूछता है, जिससे कि लोगों को दिमाग में आंसर रेडीमेड या फिर हो सके सपोज करने के या फिर इमेजिन या फिर गेस करने का मौका मिले। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछा जाता है पोएटिक लाइंस में, तो ऐसे फिगर स्पीच को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेशन। जैसे कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या अमांडा आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ये भी फिगर स्पीच इंट्रोगेशन हो गया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या आपने अपना रूम टाइडी किया, मतलब साफ किया, है ना। What is he to do? यहाँ पे repetition भी है, दो बार use हुआ है, और दूसरा question भी, interrogation भी है figure speech. What is the boy now? Who has lost his ball? अब वो लड़का करे तो क्या करे जिसने अपना ball खो दिया है। तो यहाँ पे ये interrogation है, ठीक है, interrogation याद रखना। Question mark नहीं दिखा है, लेकिन यहाँ पे पूरा जो frame है वो sentence का वो interrogation है, यानी question पूछ रहा है, question पूछ रहा है।